हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आज है दिन संडे का, सुबह के अभी 10 बजे हैं और मैं यहाँ पर कुछ काम कर रही हूँ। चेयर्स को मैंने हटा दिया है क्योंकि आज है हमारे गुरु महाराज जी की बरसी, तो अंदर हमारा जो पूजा वाला जो प्लेस है ना, थोड़ा सा कम है और फोटो बड़ी है, तो वहाँ पर जगह नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आज मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ क्योंकि फोटो है मेरे पास और मुझे उनको रखना है। तो चेयर्स मैंने हटा के अंदर कर दी है और यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन में कर रही हूँ। कल जो मैं फ्लावर्स लेकर आई थी ना, मैं उनको सजा दूंगी। मैं अंदर भगवान के रूम में भी टेबल पे मैं कर सकती थी, वहां पर भी एक टेबल है, बट आज हस्बैंड का कुछ इंपॉर्टेंट काम है ऑफिस का, तो वो वहां पे कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों डिस्टर्ब करना, चलिए बाहर आके कर सकते हैं। तो थोड़ा डेकोरेशन मैंने कर लिया था और ये व्हाइट वाले फूल जो है वो खराब हो जाएंगे, अभी ये फ्रेश ही है। तो मैंने छोटे से कांच के ग्लास में इनको इस तरीके से एज अ गुलदस्ता मैंने लगा दिया है और मैं इसको यहाँ पर अब रख दूंगी। तो अभी सुबह के ना 10 ही बजे हैं और मुझे 1 घंटे में मुझे ये सारा काम कंप्लीट करना है। तो एक बड़ी रोज वाली माला जो है मैं कल लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाया था कल के व्लॉग में, लेकिन 2 फोटो है मेरे पास, तो मुझे एक छोटी माला और बनानी है। तो जैसी भी मुझसे आती है ना, तो मैंने एक छोटी सी माला बना ली है। मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे जो गुलाब के जो फूल थे ना, मुझे ऐसे खड़े खड़े लगाने थे, तो मैंने सारे फूल आड़े आड़े ही लगा दिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और वो जो मैरीगोल्ड वाली माला होती है वैसे ही बना ली जाती। मुझे बस बनाना है भोग के लिए खाना। तो आज मैं मतलब एक पूरी थाली का जो है वो खाना बनाऊंगी मैं आज। और सबसे पहले तो मैं पीऊंगी दूध क्योंकि आज मेरा फास्ट है और अभी थोड़ा सा 1 बज ही जाएगा खाने में और ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं हुआ है, फास्ट है। तो बस पहले मैं दूध पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जल्दी से थाली बनाने की तैयारी करती हूँ। कुछ तैयारी मैंने, जैसे दाल भी मैं बनाने वाली हूँ तो मैंने वो सोख करके रख दी थी। तो चलिए पहले दूध पी लेते हैं, दूध गर्म भी है आज। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं मूंग। तो यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा घी डाला है, उसमें मैंने राई, जीरा, हींग ऐड किया है, हरी मिर्ची मैं इसमें ऐड करूंगी। मूंग जो है वो मैंने 4-5 घंटे पहले ही सोख करके रख दिए थे, तो मैंने थोड़े से इसमें मूंग ऐड किए, थोड़े से मैं स्प्राउट्स बनाने के लिए रख दूंगी। इसको अच्छे से आपको घी में लगभग 30 सेकेंड तक सेकना है। हल्दी ऐड करेंगे हम इसमें, नमक ऐड करेंगे और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। इसमें पानी आपको सिर्फ ना उतना ही रखना है जितना लेवल में आ जाए और बस आप ढक्कन लगा के इसकी 3 सीटी ले लीजिए, ये रेडी हो जाता है। तो जब तक मूंग हो रहे हैं मैं यहाँ पर आटा लगा के रख दूंगी और राइस मैं धो के रख दूंगी ताकि जब तक मैं बाकी का खाना बनाऊंगी दोनों चीजें हैं, राइस अच्छे से सोख हो जाएंगे और आटा भी जो है वो अच्छे से रेस्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी स्वीट। तो स्वीट में मैं बनाऊंगी मीठी थूली, जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे ये। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया था, उसमें मैंने एकदम जो बारीक वाला दलिया होता है ना वो मैंने इसमें ऐड किया, मतलब ये रवा की तरह होता है, जब अच्छे से ब्राउन सीख जाएगा तो उसमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप जब मैंने दलिया लिया था उसमें मैं 2 गुना पानी ऐड करूंगी। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मोटा है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं, तो आपको पानी गर्म ऐड करना है। और बस अब चाहे तो आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही ना ढक ढक के पकाऊंगी। तब तक जो मीठी थूली है वो बन रही है। यहाँ पर मेरे मूंग हो गए थे तो मैं मूंग को खाली कर लूंगी। इसमें आपको कुछ भी बघार लगाने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी इसमें तड़का शुरू में लगा दिया था और बस आप इसके ऊपर घी डाल के वैसे ही इसको खा सकते हैं। तो ये एक चीज मेरी रेडी हो गई है, दूसरी चीज मेरी साइड में अभी बन रही है। समय समय पे आपको थूली को चलाते जाना है, नहीं तो वो जल जाएगी, और आपको हैवी बॉटम के पैन में बनाना है। तो जब तक ये एक कुकर, एक गर्म बर्नर मेरा खाली है, तो मैं यहाँ पर दाल चढ़ा देती हूँ। दाल को भी मैंने सुबह ही सोख करके रख दिया था, तो बस मैंने नमक और थोड़ा सा घी और हल्दी डाल के मैं दाल को बॉइल कर लूंगी क्योंकि दाल को तड़का मैं यहाँ पर बाद में लगाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं सारा खाना भोग के लिए बना रही हूँ, इसलिए नो अनियन नो गार्लिक खाना है और बहुत ही सात्विक है।
और एकदम कम तेल का ये खाना बनेगा। घी जब भी यूज हुआ है इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा बार बार यूज हुआ है बस, हो गया। तो ये देखिए, जब इसको आप बार बार चलाते रहिएगा जब तक ये दोनों बर्नर भरे हैं, इसमें सीटी आ रही है। तो मैं यहाँ पर सब्जी के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर भिंडी कट कर रही हूँ, तो मैं आज राउंड में ही भिंडी काट के बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर जो थूली है, दलिया अच्छे से सीज गया था बिल्कुल, तो मैं उसमें शक्कर डाल रही हूँ। तो मीठा आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक कप लिया था दलिया, तो मैं यहाँ एक ही कप इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। केसर के 2-3 धागे मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि ये अच्छे से ना, अभी जब तक ये शक्कर पिघलेगी ना, तो केसर का रंग भी पूरी थूली में बहुत अच्छे से आ जाएगा। साथ में मैंने थोड़ी देर के बाद इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं जब मेरी सब्जी कट हो गई थी उसके बाद, और दलिया अच्छे से पक गया था और पानी, शक्कर का जो पानी बना था ना, वो भी सब एब्जॉर्ब हो गया था। तो बस ये हो गया है और मैं अब इसको निकाल दूंगी। मैंने ये 2 लोगों के हिसाब से ही बनाया है क्योंकि ज्यादा मीठा मेरे हस्बैंड को ये ज्यादा पसंद नहीं है, और सिर्फ मैं ही हूँ तो मैं कितना खाऊंगी। तो यहाँ पर दाल का कुकर भी ठंडा हो गया है, तो अभी दाल को मैं खाली करके रख दूंगी, सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, ऑयल गरम हो रहा है, तो उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ राई, जीरा, मैं इसमें हींग ऐड करूंगी। हरी मिर्च जो है वो मैंने भिंडी के साथ ही कट कर ली थी, इसलिए मैंने उनको अलग से नहीं कट किया है। और बस अब मैं भिंडी को इसमें डाल के ना 2-3 मिनट में भिंडी को अच्छे से, पहले 30 सेकेंड तो मैं इसे तेज आँच पे मैं इसको फ्राई करूंगी, और उसके बाद में गैस को सिम कर दूंगी, ताकि भिंडी ना ऐसा बनाऊँ तो बहुत अच्छे से बनती है। साइड में मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ, तो जैसा नॉर्मल राई, जीरा, हींग का तड़का मैंने घी में लगाया है। और इस तरीके से ना मल्टीटास्किंग करते हैं तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आपको काम करना पड़ता है। तो लगभग 70 मिनट्स में मेरा पूरा खाना बन के रेडी हो गया था। हाँ, ये बात है कि मतलब पैर खड़े खड़े ना थक गए थे, यानी कि क्योंकि बिल्कुल भी रेस्ट नहीं, एक के बाद एक के बाद एक काम था, और सुबह से मैं उठी थी तो पहले डस्टिंग, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें, तो कंटिन्यूसली मैं बहुत थक गई थी। तो बस 2-3 मिनट के बाद भिंडी में मैंने रेगुलर मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, नमक मैंने इसमें ऐड किया है, और बस अब आपको इसको ढक के पका लेना है। तो एक बर्नर फिर खाली हो गया, तो इसमें मैं अपने चावल चढ़ा देती हूँ। तो थोड़ा सा कढ़ाई में मैंने घी लिया है, चावल ज़्यादातर मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा ऐड किया है मैंने, और बस चावल को डाल दिया है। लगभग 30 सेकेंड चावल को मैं बहुत अच्छे से भून लूंगी, और बस फिर गैस में थोड़ा सा धीमा कर दूंगी। यहाँ सब्जी हो गई है डन, अच्छे से भिंडी पक गई है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर का पाउडर डाल दूंगी, और 2 मिनट के लिए बस इसको ढक के मैं पका लूंगी। और सब्जी जो है वो अच्छे से डन हो ही गई है लगभग, तो सब्जी बन गई है मेरी, दूसरी तरफ मेरे चावल बन रहे हैं। तो बस चावल भी यहाँ पर मैं, चावल में मैं गर्म पानी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ना लगभग 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा चावल मैंने यहाँ पर लिया था, तो मैं इसमें ना मतलब लगभग 2 गुना पानी में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो ये मैं आई बॉलिंग भी कर रही हूँ थोड़ा सा, अगर मुझे लगता है ना कि कम है तो फिर मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। चावल में बॉईल आने लगा था तो बस मैंने गैस सिम कर दिया और मैंने उसको ढक दिया है। सब्जी जब तक डन हो गई थी, तो सब्जी को कर लेते हैं डिश आउट, और अब दूसरी तरफ मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं प्लेन कढ़ी बना रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, तो थोड़े से बटर मिल्क में मैं पहले घोल लूंगी। तो जब आप बिल्कुल कम बटर मिल्क डाल के पहले एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाते हैं और उसके बाद पतला करते हैं ना, तो कभी भी इसमें लम्स नहीं आते हैं। तो मैंने बस वही ट्रिक यूज़ की है। बीच में एक बार मैं चावल को देख रही हूँ चला के कि पानी कहीं कम तो नहीं, अदरवाइज वो कच्चे रह जाएंगे, पर पानी सफिशियंट था और चावल बस होने पर ही आ गए थे। तो मैंने चावल का गैस सिम था तो उसको सिम पे मैंने 2 मिनट के लिए रहने दिया। कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, उसमें मैंने डाला है थोड़ी सी मेथी दाना, राई, करी लीव्स और हरी मिर्च, और बस उसके बाद मैंने जो बेसन का अपना बैटर बना के रखा था ना, बेसन और बटर मिल्क का, वो ऐड कर दिया है। कंटिन्यूसली चलाते रहे उसको, जब इसमें एक बॉयल आ गया है तो फिर मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। अगर आपको इस स्टेज पे लगता है ना कि ये गाढ़ा है, तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। चावल भी मेरे हो गए थे तो यहाँ पर मैं जल्दी से रोटी सेक लेती हूँ। तो बस आज का मेरा जो खाना था वो लगभग कंप्लीट होने पे आ गया है। जितना मुझे ज्यादा टाइम मुझे रोटी सेकने में लगा, क्योंकि आज मैंने सारी रोटी एक साथ ही सेक के रख दी थी, क्योंकि मैं सुबह से उठी हूँ आज 5:30 बजे से, और अभी तक मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा आज ना थक गई थी। तो आज मुझे पहली बार लगा है कि बापरे रोटी सेकना भी कितना मेहनत का काम है। अदरवाइज रोटी सेकना मुझे सबसे ज्यादा ईजी लगता है, क्योंकि मेरी एड़ियों में आज बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। तो खाना यहाँ पर हो गया है मेरा रेडी। तो अब चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर भोग के लिए थाली प्रिपेयर।
तो यहाँ पर थाली में मैंने लगा दी, सबसे पहले दाल हो गई है, कढ़ी हो गई है, यहाँ पर ये मूंग है, चावल है और भिंडी की सब्जी हो गई है और ये मीठी थूली हो गई है और बस यहाँ पर मैं रोटियाँ रख दूंगी। आप चाहे तो आप पराठे भी कर सकते हैं। तो बस जल्दी से मैं लगा दूंगी भोग, तो बस भोग ज्यादातर पर्दा लगा के ही लगाते हैं, तो बाद में मैंने यहाँ पर अभी तो मैं पर्दा नहीं लगा सकती क्योंकि नहीं है, तो थाली रख के मैं चली गई थी अंदर और बस फिर भोग मैंने यहाँ लगा दिया। तो अभी आप लोग ये जो क्लिप देख रहे हैं ये मेरे मम्मी के घर की है, तो सेम गुरु महाराज जी की बरसी उन लोगों ने भी मनाई थी, तो उन्होंने आज 56 भोग किए थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। और देखिए हमारे यहाँ एक फेस्टिवल की तरह होता है, जब भी हमारे गुरु महाराज जी की बरसी आती है, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अपनी मम्मी से सीखा है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हम जब स्कूल में तभी हम पास हो पाते हैं जब हम अपने टीचर की बात मानते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी ज़िंदगी के कोई भी लेसन में अगर हम पास होना चाहते हैं ना तो गुरु महाराज जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में वैसे बहुत सारे मौके आए हैं जब उन्होंने मुझे एकदम मतलब हर चीज़ का मुझे जवाब उन्हीं से मिला है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये देखिए मम्मी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, तो उसमें से ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने मिठाइयाँ और मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने घर पे ही बनाई थी, सिर्फ फ्रूट्स थे जो बाहर से आए हुए थे, बाकी लगभग उन्होंने सारी चीज़ों को खुद से प्रिपेयर करके बनाया था। तो मेरी भाभी ने ये क्लिप मुझे भेजी थी तो मैं इसलिए यहाँ पर ये ऐड कर रही हूँ, और मैंने बहुत मिस किया कि काश मैं भी शायद आज घर पर होती, पर चलिए कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पर मुझसे जितना हो सका मैंने उतना किया। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और खाना 12:15 बजे बन गया था, भोग भी मैंने लगा दिया है और बस अब खाना खाऊंगी मैं, हूँ गया उसके बाद फिर देखेंगे किचन का बाकी का जो भी काम है ना वो मैं बाद में करूँगी। तो चलिए पहले कर लेते हैं लंच, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।